अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स, जो कि फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 1 है। आज से हम फर्स्ट ईयर के जितने भी टॉपिक्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो हमारा टॉपिक है आज का इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स। तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सो लेट्स स्टार्ट द टुडे टॉपिक्स, इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स। एट प्रेजेंट टाइम देयर आर थ्री मेन फ्रंटियर्स ऑफ फंडामेंटल साइंसेस। हमारे पास जो बुनियादी तौर पर जो साइंसेस होती हैं, वो बेसिकली उसको हम तीन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहली है एक्सट्रीमली लार्ज वर्ल्ड। रेडियो टेलीस्कोप नाउ गैदर इंफॉर्मेशन फ्रॉम द फार साइड ऑफ द यूनिवर्स। जो रेडियो टेलीस्कोप है वो इस यूनिवर्स में दूर दूर तक फैली हुई कायनात के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है। एंड हैव रिसेंटली डिटेक्टेड एज रेडियो वेव्स द फायर लाइट ऑफ बिग बैंग। अभी मौजूदा इसी टाइम में ये हुआ है कि रेडियो टेलीस्कोप से रेडियो वेव्स डिटेक्ट की गई हैं, जिसको फायर लाइट ऑफ बिग बैंग कहा गया है, which probably started off the expanding universe nearly 20 billion years ago। और कहा जाता है कि ये जो waves हैं, radio waves, ये start उस वक्त से हुई हैं जब से 20 billion years ago universe जो है वो create हुई थी। Second हमारे पास आता है extremely smart world। In this world we study the particle like electron, proton, neutron, meson and others। जितने भी पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मीज़ोन्स और इस तरह के और सब पार्टिकल्स हैं, उनकी जितनी भी स्टडी की जाती है, ये हमारे पास एक्सट्रीमली स्मॉल वर्ल्ड में आता है। नंबर थ्री है मिडल साइज वर्ल्ड। इट इज़ द वर्ल्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स मैटर इन विच वी स्टडी अबाउट मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स की स्टडी में हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर और बहुत सी क्रिस्टल के बारे में बुनियादी चीज़ें पढ़ते हैं। तो ये हमारे पास मिडल साइज वर्ल्ड है। मिडल साइज वर्ल्ड जो है ये एक्सट्रीमली स्मॉल वर्ल्ड और एक्सट्रीमली लार्ज वर्ल्ड के बिटवीन होती है। फिज़िक्स की डेफिनेशन हम करने लगे हैं। फिज़िक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी। फिज़िक्स डील करती है स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी, मतलब कि मैटर और एनर्जी का मैटर और एनर्जी क्या है, इस बारे में हम स्टडी करते हैं। एंड देयर रिलेशनशिप, और इनका आपस में ताल्लुक क्या है, वो स्टडी इन फिज़िक्स। हम फिज़िक्स में ये स्टडी करते हैं लॉ ऑफ मोशन। लॉ ऑफ मोशन आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा है, न्यूटन्स के लॉ वगैरह हैं, वो हम इस फिज़िक्स में पढ़ते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ स्पेस एंड टाइम, स्पेस और टाइम जो है उसके ऊपर स्टडी, और स्पेस और टाइम का रिलेशन उसके ऊपर स्टडी हम पढ़ते हैं। द नेचर एंड टाइप्स ऑफ फोर्सेस, ओवरऑल जो नेचर है उसके बारे में स्टडी, और फोर्सेस की जो टाइप्स होती हैं वो उसको हम डिस्कस करते हैं। इंट्रैक्शन बिटवीन डिफरेंट पार्टिकल्स, पार्टिकल्स के दरमियान कौन सी इंट्रैक्शन है, वो चाहे ग्रेविटेशन फोर्स हो, चाहे स्ट्रॉन्ग फोर्स हो, चाहे वीक फोर्सेस हो, वो सारी हम जो है वो फिज़िक्स में पढ़ते हैं। द इंट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद मैटर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का मैटर के साथ जो इंट्रैक्शन है उसको हम फिज़िक्स में स्टडी करते हैं। हिस्ट्री में हम देखते हैं, बाय द एंड ऑफ 19th सेंचुरी मैनी फिजिस्ट स्टार्टेड बिलीविंग दैट एवरीथिंग अबाउट फिज़िक्स हैज़ बीन डिस्कवर्ड। जब हमारे पास स्टार्ट हुई 19th सेंचुरी के एंड पे, ये कहा गया 19th सेंचुरी के एंड पे साइंटिस्ट ने ये यकीन करना शुरू कर दिया था कि हमने जितना भी फिज़िक्स के बारे में पढ़ा है और जितना भी फिज़िक्स के बारे में हमने स्टडी किया है, आई थिंक ये इनफ है। लेकिन बाद में क्या हुआ, बट इन द बिगनिंग ऑफ 20th सेंचुरी न्यू डिसिप्लिन इन फिज़िक्स सच एज न्यूक्लियर फिज़िक्स विच डील्स विद एटॉमिक न्यूक्लियाई। लेकिन जब 20वीं सदी स्टार्ट हुई तो उन्होंने देखा कि हमने फिज़िक्स में बहुत सारी और चीज़ें डिस्कस करना शुरू कर दी हैं, जिसमें हमारे पास न्यूक्लियर फिज़िक्स स्टडी करने का मौका उनको मिला, विच डील्स विद एटॉमिक न्यूक्लियाई, जिसमें हम एटम के न्यूक्लियस को स्टडी करते हैं। पार्टिकल फिज़िक्स, अभी हमने लास्ट टाइम पढ़ा था
स्मॉल वर्ड में कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन उसके बारे में मज़ीद जो है वो स्टडी की गई पार्टिकल फिजिक्स में। रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स आ गई, इसमें ये होता है कि रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में जो मोशंस रिलेटिव मोशन है उसको डिस्कस किया जाता है। फिर सॉलिड स्टेट फिजिक्स आ गई, सॉलिड स्टेट फिजिक्स में हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं। तो ये 20th सेंचुरी के स्टार्ट में ये सारी जो हमारे पास फिजिक्स की ब्रांचेस थी ये हमने डिस्कस करना शुरू कर दें। तो साइंटिस्ट को ये यकीन होना शुरू हुआ कि अभी तो हमने आगाज़ किया है और बहुत सारी डिस्कवरीज हैं जिनको हमने अभी डिस्कवर करना है। फिजिक्स रिलेशनशिप विद अदर सब्जेक्ट्स, बाकी सब्जेक्ट के साथ क्या ताल्लुक है फिजिक्स का। फिजिक्स इज मोस्ट फंडामेंटल ऑफ ऑल साइंसेस, जितनी भी इस वक्त साइंसेस हम पढ़ते हैं उसकी बुनियाद जो है वो फिजिक्स है। एंड प्रोवाइड बेसिक प्रिंसिपल्स एंड फंडामेंटल लॉज, ये फिजिक्स जो है ये बुनियादी असूल और बुनियादी कानून मुहैया करती है। द ओवरलैपिंग ऑफ फिजिक्स एंड अदर साइंसेस आर, अब जब ओवरलैप होती है फिजिक्स बाकी साइंसेस के साथ तो हम एक नया सब्जेक्ट आप कह लें कि लेके आते हैं जिसके हम नाम रखते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। मतलब केमिस्ट्री एक सब्जेक्ट है, एक साइंस है, लेकिन केमिस्ट्री का वो पार्ट जहाँ पे फिजिक्स का रोल है उसमें उसको हमने एक नाम दे दिया फिजिकल केमिस्ट्री। इसी तरह बायोफिजिक्स, बायोफिजिक्स में फिजिक्स का बायोलॉजी में जितना भी फिजिक्स का रोल है उसको बायोफिजिक्स कहेंगे। एस्ट्रोफिजिक्स इल्म फलकियात है, फलकियात में जितना भी फिजिक्स का रोल है वो एस्ट्रोफिजिक्स है। हेल्थ फिजिक्स मतलब कि फिजिकल फिटनेस में या आप कह लें कि जितना भी हेल्थ के मामलात हैं उसमें फिजिक्स का जितना भी रोल है वो हेल्थ एंड फिजिकल फिजिक्स में आ गया। अब हमारे पास आज के लिए यही था, उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। लाइक कीजिए और कमेंट की सूरत में हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।